सृजन का स्रोत ग्रह के हर एक जीव में सक्रिय है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो संभावना है वह किसी दूसरे जीव में नहीं है। आखिर क्या है वह संभावना? एक मशीन के तौर पर और साथ ही जीवन के प्लेटफॉर्म के तौर पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर में कोई कमी नहीं है। केवल समस्या यह है कि यह शरीर आपको कहीं नहीं ले जाता, यह धरती से पैदा होता है और इसमें ही मिलकर समाप्त हो जाता है। क्या यह काफी नहीं है? एक स्तर पर इतना ही बहुत है, पर किसी तरह भौतिकता से परे का एक आयाम खुद इस अद्भुत तंत्र में शामिल हो गया है। यही आयाम जीवन का स्रोत है। यही हमें सही मायनों में वह बनाता है जो हम हैं। वैसे तो हर जीव, हर पौधे और हर बीज में यह स्रोत काम करता है, लेकिन एक मनुष्य में जीवन का यह स्रोत कहीं अधिक भव्यता से दिखता है। यही वजह है कि मनुष्य हमेशा भौतिक और उससे परे के आयाम के बीच संघर्ष में घिरा दिखता है। हालांकि आप में भौतिकता की एक अपनी विवशता है, लेकिन आपके पास उस भौतिकता से आगे जाने की चेतना भी है। दो तरह के बुनियादी बल होते हैं। अधिकतर लोगों को वे एक दूसरे से टकराते हुए दिखते हैं। इनमें से एक आत्मसंरक्षण से जुड़ा है, जो आपको अपने आसपास दीवारें बनाने के लिए मजबूर करता है। दूसरा लगातार विस्तार की इच्छा में असीम होना चाहता है। ये दोनों इच्छाएं, अपना संरक्षण और विस्तार करना, ये विपरीत बल नहीं है। ये दोनों ही आपके जीवन के दो अलग पहलुओं से जुड़े हैं। एक बल आपके इस ग्रह से जुड़े रहने में सहायक होता है और दूसरा आपको उसके परे ले जाता है। अगर आपके पास इन दोनों को अलग रखने के लायक जागरूकता है तो इनमें कोई टकराव नहीं होगा। पर अगर आप पूरी तरह से भौतिकता से अपनी पहचान रखते हैं तो एक साथ मिलकर काम करने की बजाय ये दो बुनियादी बल तनाव का कारण बनेंगे। भौतिक बनाम आध्यात्मिकता का जो संघर्ष मानवता में फैला हुआ है वह इसी अज्ञानता की देन है। जब आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो आप एक पहलू ऐसे पहलू की बात कर रहे हैं जो भौतिकता से परे है। भौतिक सीमा से परे जाने की मानवीय इच्छा सहज है। सीमाओं में बंधी देह से सृष्टि के स्रोत की ओर यात्रा, यह किसी भी आध्यात्मिक सिलसिले की बुनियाद है। आज आपने अपने सुरक्षा के लिए जो दीवारें खड़ी की है वही आने वाले कल में आपके लिए कैद का काम करेगी। यह एक अंतहीन चक्र है। लेकिन सृष्टि आपके लिए सबके परे जाने वाले द्वार खोलने से मना नहीं करती। आप अपने आसपास खड़ी दीवारों से उलझ रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक गहरे सत्य को पकड़ा था जब उन्होंने यह लिखा, कहीं कुछ ऐसा है जो दीवारें पसंद नहीं करता। यही वजह है कि योगिक सिस्टम में ईश्वर, आत्मा या स्वर्ग के बारे में बात नहीं की जाती। योग केवल उन बाधाओं की बात करता है जो आपने बनाई है, क्योंकि हमें केवल इस बाधा को ही पार करना है। आपको जिन दीवारों ने रोक रखा है वे 100% आपकी अपनी बनाई हुई है और इन्हें तोड़ा जा सकता है। आपको अस्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है। आपको केवल उस अस्तित्व पर काम करना है जिसे खुद आपने गढ़ा है।
अगर मुझे कोई मिसाल देनी हो तो मैं गुरुत्वाकर्षण व कृपा को बिल्कुल विपरीत अर्थ में लूंगा। गुरुत्वाकर्षण किसी भी इंसान में आत्मसंरक्षण की बुनियादी प्रवृत्ति है। हम इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस ग्रह से जुड़े हुए हैं। ये आपको नीचे की ओर खींचती है, जबकि कृपा आपको ऊपर की ओर उठाने का काम करती है। अगर आप अस्तित्व के भौतिक बलों से मुक्त हो जाते हैं तो आपके जीवन में कृपा का विस्फोट होता है। गुरुत्वाकर्षण की तरह कृपा भी लगातार सक्रिय रहने वाला बल है। केवल आपको इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो अचानक आप जादू की तरह काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि केवल आप ही साइकिल चलाने की काबिलियत रखते हैं तो आप दूसरों को किसी जादू जैसे दिखने लगेंगे। कृपा के साथ भी ऐसा ही है। दूसरों को लगता है कि आप एक जादू है, लेकिन आप जानते हैं कि ये तो जीवन के किसी नए आयाम के प्रति ग्रहणशील होने की शुरुआत भर है। ये एक संभावना है जिसका एहसास सबको होना चाहिए। धन्यवाद।